चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में नवंबर से दिसंबर के बीच मतदान पूरा हो जाएगा, जिसके बाद 11 दिसंबर को सभी राज्यों के नतीजे एक साथ घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही आज से इन तीनों राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान 12 नवंबर को होगा। 23 नवंबर को नामांकन की आखिरी तारीख है, जबकि स्क्रूटनी 24 अक्टूबर को होगी। इस चरण में 18 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को मतदान होगा, यहां एक ही चरण में मतदान कराया जाएगा। मिजोरम में भी इसी दिन मतदान होगा, यहां भी 28 नवंबर को ही मतदान कराया जाएगा। राजस्थान में 7 दिसंबर को मतदान किया जाएगा, यहां भी एक चरण में ही मतदान को करवाया जाएगा। दोनों ही राज्यों में एक ही चरण में चुनाव में वोट डाले जाएंगे। इन सभी पांचों राज्यों में 11 दिसंबर को ही मतगणना होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 दिसंबर से पहले चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि चुनाव में आधुनिक ईवीएम वे वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा, साथ ही मतदान की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। निखिल कुमार, पंजाब केसरी, दिल्ली।